Assalamu alaikum dear students, today we are going to study the vapor pressure of solutions. तो इससे पहले हमने जो पोर्शन इस यूनिट में पढ़ा था दैट वॉज मोलैरिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन और ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी हमने डिस्कस करा था एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस. तो आज का जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशंस और वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सोल्यूशंस. तो बात समझते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं यहां पे. तो इस बीकर में तो अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने इसमें एक सॉल्वेंट लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट, लेट दैट बी वाटर. तो मान के चलिए हमने इस बीकर में वाटर ले लिया है. इस वाटर को जो ही हम हीट करेंगे, सबसे पहले मैं इस सिस्टम को क्लोज कर देता हूं ऊपर से, यानी कि एक ढक्कन रख लेते हैं ऊपर से. यहां पे एक हमने क्लोज्ड सिस्टम लिया है, क्लोज्ड सिस्टम यू नो जिसमें से मैटर बाहर ना निकल सके. तो मैंने इस लिक्विड सॉल्वेंट को, वाटर को यहां पर हीट किया है. तो हीट करने की वजह से यहां पर क्या होगा, और the kinetic energy of the liquid molecules that will increase, or we can say these liquid molecules they will overcome the force of attraction because of heating. इनके liquid molecules के बीच में जो force of attraction होगा वो खत्म हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, और the liquid will start evaporating, यानी कि यहां पर बहुत सारे आपके vapors बनेंगे. By heating liquid, this liquid molecules they get converted into vapors and the process will be called as evaporation. तो यहां पर क्या हो रही है, evaporation हो रही है. ये लेस लिक्विड हीट को यूता यूता लिक्विड हीट करो ज्यादा तूता गैस एट इवापरेशन ज्यादा, या इसमें बॉइलिंग गैस ज्यादा, या वेपर बन तूता ज्यादा. तो यहां पर हीट देने की वजह से अब क्या हो रही है, इवापरेशन हो रही है. तो यहां पर वेपर्स बन रहे हैं ऊपर. अब क्या होगा, दिस वेपर्स दे हैव हाई एस्केपिंग टेंडेंसी, दे विल ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस सिस्टम, बट एज द सिस्टम इज क्लोज्ड यू नो कि वेपर्स बाहर तो निकल ही नहीं सकते हैं. दे विल कम बैक एंड दे विल कम बैक, व्हाइल दे विल कम बैक दे विल हिट द लिक्विड सरफेस. यहां पे आप देख सकते हैं कि वेपर हर वैसे बोन वापस बोन वसन वसन क्या किसकम ये वेपर्स कारण हिट पन्नसी लिक्विड सर्फेस पे. You go your own liquid surface. The vapors her bone vasan vasan chim panisi liquid ke surface suspect exert current force ya pressure current exert. Theek. Lekin you think liquid surfaces hit current. Hit current current kya shi gasan kum? Kya vapors shi gasan wapas convert kath formas liquid formas. For example, imchi vapor molecules ya pae. You think vapor molecules panis liquid surface kis contact asmans yin even chi kya vapor molecules wapas at liquid phase asmans convert gasan. To initially kya ho rahi thi? Liquids were, liquid phase were was getting converted into vapor form and after that kya hone laga, yahan pe vapor form back into liquid form convert hone laga. To yahan pe kya hone lagi, condensation. That means in this system, closed system, ek to yahan pe evaporation ho rahi hai aur dusri yahan se condensation bhi ho rahi hai. Ek to liquid vapor mein convert ho raha hai aur yahan se vapor liquid mein convert ho raha hai. That means both evaporation and condensation processes they are occurring simultaneously, एक ही साथ हो रही है. तो जब यहां पे रेट ऑफ इवापरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर बनेगी, व्हेन द इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द सिस्टम, एट दैट टाइम हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जब यहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा उस टाइम पे ये वेपर कितना एक्सर्ट करेगा प्रेशर अपने ही इस लिक्विड सरफेस पे, एट इक्विलिब्रियम कितना वेपर प्रेशर वेपर्स कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन देयर ओन लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. तो यहां पे मैं कह सकता हूं वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन देयर ओन लिक्विड सरफेस व्हेन देयर इज
equilibrium between the liquid phase and the vapor phase of the liquid substance. या मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पे vapors कितना vapor कितना pressure exert करेंगे on their own liquid surface when the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. At that stage, how much pressure is being exerted by the vapors? That pressure is called as the vapor pressure of the liquid or vapor pressure of the solution. तो अब यहां पे बात करते हो तो वेपर प्रेशर क्या है एक्चुअली, ये वो प्रेशर है जो वेपर्स एक्सर्ट करते हैं अपने ही लिक्विड सरफेस पे, अपने ही लिक्विड सरफेस पे, कब, जबकि लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है. अब यहां पे एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि ये वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा या ये वेपर प्रेशर कब कम होगा, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो द फर्स्ट फैक्टर जो यहां पे आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज टेम्परेचर. टेम्परेचर हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डिसाइडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेपर प्रेशर. जिसे आप समझ सकते हैं, हमने पहले हीट दी, हीट देने की वजह से यहां पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म यानी कि डिक्रीज हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर वी आर एक्चुअली ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, देयर बाय वी आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन. जो ही रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगी दैट मीन्स द वेपर डेंसिटी जो है वेपर फेज में जो वेपर डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर. दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज. जितना ज्यादा हम हीट देंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे सॉल्यूशन को, उतना ज्यादा वेपर बनेगा. जितना ही ज्यादा वेपर बनेगा उतना ही वो ज्यादा एक्सर्ट करेंगे क्या, वेपर प्रेशर. तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अप्लाइड. आप जितना टेम्परेचर यहां पे ज्यादा दोगे, हीट ज्यादा दोगे, उतनी ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर भी लिक्विड फेज पे ज्यादा एस्टेब्लिश, वेपर प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा. आप देख सकते हैं, हम जब पानी बॉइल करते हैं या कोई भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो बॉयलिंग की वजह से वेपर बहुत ज्यादा बनेगा. जो ही वेपर ज्यादा बनेगा तो उनका वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी फिर इंक्रीज हो जाएगा. तो सेकेंड फैक्टर जिसकी मैं यहां पे बात करता हूं दैट इज द नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हमने देखना है कि वेपर प्रेशर ज्यादा कम कब होगा, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो पहला फैक्टर जो मैंने बोला, आप जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, आपका जो वेपर है वो ज्यादा बनेगा. उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान खत्म हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म मोर एंड मोर वेपर. कॉन्सिक्वेंटली द वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. अब जो सेकेंड फैक्टर आता है यहां पे दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. अब समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड हुआ जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग है तो उसमें हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से लिक्विड जो है वेपर आसानी से नहीं बनाएगा. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल बी टाइटली हेल्ड विथ ईच अदर, दे विल नॉट फॉर्म दिस वेपर्स इजली और द रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो कम रहेगी उस लिक्विड में. तो वेपर कम बनेगा और कॉन्सिक्वेंटली उसका वेपर प्रेशर कम होगा. मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, more will be lesser will be the rate of evaporation, lesser will be the vapor density or lesser will be the vapor pressure. ab koi aisa bhi liquid ho sakta hai jisme force of attraction लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक हो, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिन भी लिक्विड्स में पाया जाए तो उनकी रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगी. रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होगा, आपका वेपर बहुत ज्यादा बनेगा और वेपर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा. दैट मीन्स आई कैन से वेपर प्रेशर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन.
जितना लिक्विड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ इवापरेशन कम होगी, जितनी रेट ऑफ इवापरेशन कम होगी उतना वेपर कम बनेगा, जितना वेपर कम बनेगा उतना वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो फॉर मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेसर विल बी द वेपर प्रेशर, आपको याद रखना। तो ये चीज समझाने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक लिक्विड है, दैट इज बेंजीन, बेंजीन का लिक्विड है एक, और दूसरा लिक्विड है मेरे पास जो कि है वाटर। दो लिक्विड मैंने ले लिए, एक तो मैंने बेंजीन का लिक्विड ले लिया, दूसरा मैंने वाटर का लिक्विड ले लिया, दोनों लिक्विड है। अब मुझे देखना है कि कौन से लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले समझनी है ये जो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स होंगे, बीबी मैं लिख लेता हूं, सारे बेंजीन मॉलिक्यूल्स है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नॉन पोलर बेंजीन इज अ वेल नोन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी वेरी वीक। तो बेंजीन वाले लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर में आपको पता है HOH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल एक है, एंड ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है HOH, ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है वाटर में ऑक्सीजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है एंड हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है। इट इज पोलर ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर, एंड यहां पे भी हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव आएगा और यहां के ऑक्सीजन पे भी स्लाइट नेगेटिव आएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनस्टेड अनलाइक बेंजीन, वाटर इज पोलर। जब ये पोलर है तो यहां वाटर के स्लाइट पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव यानी कि O नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी। जो अट्रैक्शन यहां पे होगी दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वाटर में कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हमने यहां पे देखा जो बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर है। जब ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग भी हो सकती है। जैसे जैसे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये किसी और पोलर सॉल्वेंट या पोलर लिक्विड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी जो कि कंपेरेटिवली वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक या स्ट्रांग होती है। तो क्या होगा अगर हम बेंजीन के लिक्विड को हीट करें, वाटर के लिक्विड को हीट करें, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, यहां पे स्ट्रांग है, तो यहां पे वेपर ज्यादा बनेगा। अगर आप सेम टेम्परेचर रखोगे, सेम टेम्परेचर अगर यहां पे भी तो आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, यहां पर भी दिया है, तो कंपेरेटिवली यहां पर 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बहुत ज्यादा बनेगा और यहां पर तो नेगलेजिबल अमाउंट बनेगा। वाटर जो बॉइल होता है वो बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। वो क्यों होता है इतनी हाई टेम्परेचर पे बॉइल, क्योंकि यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से खत्म नहीं होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आसानी से खत्म ही नहीं हुआ तो वेपर आसानी से बनेगा ही नहीं। वेपर की क्वांटिटी, वेपर डेंसिटी कम होगी तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा एज कंपेयर टू बेंजीन आवर नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम खत्म जल्दी कर सकते हैं तो हीट हमें कम देनी पड़ेगी, वेपर ये ज्यादा बनेगा और इसका वेपर प्रेशर क्या है जो वो ज्यादा होगा। That means the more the force of attraction between the liquid molecules, lesser will be the rate of evaporation, or we can say lesser will be the magnitude of the vapor pressure exerted by the vapors of the same liquid on their own surface. ठीक है, तो हम आते हैं और एक example की तरफ। अब मैं यहां पे एक चीज समझाता हूं आपको मिक्सिंग के बाद। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सॉल्यूशन ले लेता हूं, सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर की बात करते हैं। सॉल्यूशन बनते किससे हैं, एक तो सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है तो सॉल्यूट भी वेपर्स बनाएगा, सॉल्वेंट भी वेपर्स बनाएगा, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा और सॉल्यूशन का जो नेट वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी द टोटल सम ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ ऑल द वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब समझिए अच्छे से, मान के चलिए मैंने यहां पे एक सॉल्वेंट लिया है ए, ये वोलेटाइल है, एंड सॉल्यूट यहां पे लिया है मैंने बी, ये भी वोलेटाइल है, यह भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा। तो इसका जो सॉल्वेंट का अपना वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, वो मान के चलिए दैट इज पीए नॉट, पीए नॉट विद द वेपर प्रेशर ऑफ द
सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। सोल्यूट भी है, मान के चलिए ये भी वोलाटाइल है, ये भी अपना वेपर बनाता होगा, इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, लेट दैट बी पीबी नॉट। पीबी नॉट, समझ आ रही है बात? ठीक। तो सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए ए अट्रैक्शन कहलाएगा, ठीक। एंड सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बीबी अट्रैक्शन कहलाएगा। तो हमने इसको भी हीट किया, इसका ए अट्रैक्शन खत्म कर दिया, वेपर बन गए, वेपर प्रेशर इन्होंने एग्जिट कितना किया, पीए नॉट। इसको भी हीट किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म कर दिया, बी का सोल्यूट का वेपर बना दिया, तो इसका भी अपना वेपर प्रेशर कुछ होगा, लेट दैट बी पीबी नॉट। दैट मीन्स बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दे आर वोलाटाइल एंड इंडिविजुअली दे आर फॉर्मिंग वेपर्स एंड देयर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स आर पीए नॉट एंड पीबी नॉट। जब हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्सिंग के बाद यहां पे क्या बनेगी, सॉल्यूशन। समझ लीजिएगा, सॉल्यूशन बन रही है। सॉल्यूशन जो यहां पे बनेगी, अब सॉल्यूशन में कौन सी अट्रैक्शन होगी, यहां पे ए सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्यूट है, यहां पे जो अट्रैक्शन क्या होगी, दैट विल बी ए बी इंटरैक्शन, ए बी के बीच में अट्रैक्शन होगी। अब यहां ये चीज समझना है, अगर ये ए बी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ सॉल्यूशन के केस में, अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी वेरी लेस। तो यहां पे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का वेपर बनेगा वो कम बनेगा एज कंपेयर टू द वेपर दे वायर फॉर्मिंग वेन दे वायर प्रेजेंट इन सेपरेट बीकर्स और सेपरेट सिलेंडर्स। फिर से समझ लीजिएगा एक चीज, जितना यहां पे अट्रैक्शन वीक होगा ए और बी के बीच में, उतनी इसकी रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगी। रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होने का मतलब ए का वेपर भी ज्यादा बनेगा, बी का वेपर भी ज्यादा बनेगा, किससे ज्यादा बनेगा, एज कंपेयर टू द वेपर्स विच वायर फॉर्मड बाय द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इन व्हेन दे वायर प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। नहीं आ रही है समझ? फिर से समझ, सॉल्वेंट अलग हुआ अथवा अट्रैक्शन ए ए अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग थे एक वीक थे, सोल्यूटस अट्रैक्शन बी बी अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग थे एक वीक थे। अब चलो मान के चलिए कोई भी अट्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट भी अपना प्रेशर वेपर प्रेशर शो करता है पीए नॉट, एंड सोल्यूट भी अपना वेपर प्रेशर पीबी नॉट शो करता है। जब हमने इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाई, हमें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चेक करना है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या कम होगा या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म, वो डिपेंड करता है ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कितनी है। जितनी ए और बी के बीच में ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतना ये ज्यादा ज्यादा क्लोज आएंगे, ये प्रेफर करेंगे लिक्विड फॉर्म में ही रहना, यानी कि अट्रैक्शन स्ट्रांग होने का मतलब यहां पे ज्यादा वेपर नहीं बनेगा। जब ज्यादा वेपर नहीं बनेगा तो ए का वेपर प्रेशर भी कम होगा, वो पीए नॉट के बराबर नहीं होगा, उससे कम ही होगा, तो वो कहलाएगा पीए, ठीक। पीए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन। एंड जो बी स्ट्रांगली हेल्ड है ए के साथ, बी ज्यादा वेपर नहीं बना पाएगा क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड है ए के साथ, तो बी का वेपर प्रेशर भी कहलाएगा पीबी, वो भी कम होगा इस पीबी नॉट के कंपेरिजन में। यानी कि मैं कहना यहां पे ये चाहता हूं, जब भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल है, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ए का वेपर भी कम बनेगा, बी का वेपर भी कम बनेगा, और दोनों का वेपर प्रेशर पी ए एंड पी बी कम होगा एज कंपेयर टू देयर रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर विच दे वेयर एग्जिबिटिंग और शोविंग इन देयर प्योर फॉर्म्स। तो यहां पर जो ओवरऑल सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टोटल, दैट ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कंपोनेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हुई, पी ए भी कम होगा, पी ए भी कम होगा, तो पी टोटल भी कम होगा, तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उस वक्त डिक्रीज हो जाता है जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन वीक है, सॉल्यूशन के केस में अगर ए और बी के बीच में अट्रैक्शन वीक है,
यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दे आर लेस मिसेबल, ये दूर दूर ही रहना चाहते हैं, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होने का मतलब सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर भी बहुत ज्यादा बनेगा, सोल्यूट का वेपर भी बहुत ज्यादा बनेगा, यानी कि यहां पे जो पी ए होगा और पी बी होगा दे विल बी मोर देन रेस्पेक्ट टू पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। दैट मीन्स व्हेन द सोल्यूशन फॉर्मड बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वीक, द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी वेरी हाई। व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाई, द वेपर्स फॉर्मड बाय ए एंड बी और ऑल द कंपोनेंट्स दैट वेपर विल बी हाई एंड द रेस्पेक्टिव वेपर प्रेशर्स इन द सोल्यूशन विल बी हाई, दैट विल बी इवन हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन देयर रेस्पेक्टिव प्योर फॉर्म्स। तो एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है उसमें जो हमने कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स किए हैं उनकी अट्रैक्शन स्ट्रांग है या वीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर बराबर बराबर होगा, यानी कि समझ लीजिएगा एक चीज, यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, अगर मैं ऐसे कहूं, ए बी अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉल्यूशन, इफ इट इज स्ट्रॉन्गर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन, अगर सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की इंट्रैक्शन स्ट्रांग हुई देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, उस टाइम क्या होगा सोल्यूशन में जो वेपर बनेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का वो बहुत कम बनेगा क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग है, वेपर कम बनेगा, दोनों का वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन जो होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की तरफ वो कम होगा, यानी कि इस वाली सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी लेस क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। लेकिन अगर यहां पर ए और बी अट्रैक्शन दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इफ दैट इज वीक और दैट इज लेस देन ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन, तो उस टाइम क्या होगा अट्रैक्शन वीक है तो उसको हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाई, ए का वेपर भी बहुत ज्यादा बनेगा, बी का वेपर भी बहुत ज्यादा बनेगा इन सोल्यूशन, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हियर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट विल बी वेरी हाई एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। क्या ऐसी कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए बी अट्रैक्शन दैट विल बी इक्वल टू ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन, बन सकती है, बनने को कुछ भी बन सकती है, पर एज फार एज प्रैक्टिकली हम बात करें प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जिसमें 100% मैं कहूं ए बी अट्रैक्शन होगी बराबर ए अट्रैक्शन या बी अट्रैक्शन के बराबर होगी, ऐसी कोई सॉल्यूशन नहीं पाई जाती है। हाँ, देयर मे बी सम केसेस, जैसे हम आगे रोल्स लॉ में पढ़ेंगे, देयर आर सम सॉल्यूशंस, सम डाइल्यूट सॉल्यूशंस इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ए बी अट्रैक्शन दैट बिकम्स नियरली इक्वल टू ए एंड बी बी अट्रैक्शन, एट दैट टाइम वी कैन से द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन केस ऑफ सॉल्यूशन दैट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स, बट वो हम रोल्स लॉ में आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन आपकी बनती है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करता है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें मिक्स की है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी वो कम होगी, वेपर कम बनेगा यानी कि सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी वीक, रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी, वेपर बहुत ज्यादा बनेगा, और वेपर का बहुत ज्यादा बनने का मतलब क्या है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब समझ लेते हैं और एक फैक्टर, थर्ड फैक्टर, द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सबस्टेंसेस, इन वोलाटाइल लिक्विड्स, नॉन वोलाटाइल सबस्टेंसेस इन वोलाटाइल लिक्विड्स, इस पर गैरिश कर चाय बनाओ एंड चाय मज यु नून त्रा
एट ऑल ऑफ सडन चाय ग्रेख खारन या लिक्विडस ग्रेख खारन या दोदस ग्रेख खारन यु नून करन एड नून एड कर एट ऑल ऑफ सडन तम चाय या लिक्विड ग्रेख गसन कम होता क्या है एक्चुअली ये आपका लिक्विड है वाटर या कोई भी लिक्विड ले सकते हो मगर वोलाटाइल होना चाहिए इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड दैट लिक्विड विच इज एबल टू फॉर्म वेपर्स दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल लिक्विड इसमें हमने मान के चलिए साल्ट ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दिया साल्ट जो है और शुगर जो है दोनों वेपर्स नहीं बनाते दैट मीन्स दे आर नॉन वोलाटाइल When we are adding this non-volatile substances, when we are adding non-volatile substances in the volatile solvent, तो क्या होता है ये जो ये non-volatile solute है एक तो ये खुद vapor बनाते ही नहीं है That means their contribution towards the vapor pressure, that is zero. तो solute है salt solute है sugar भी solute है इनके बदले हम B लिख लेते हैं तो ये जो B है इट इज नॉन वोलाटाइल तो ये वेपर तो बनाएंगे ही नहीं तो इनका वेपर प्रेशर जो होगा पीबी वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलाटाइल दैट विल बी जीरो सल्यूट का वेपर प्रेशर है ही नहीं यहां पे क्योंकि सल्यूट यहां पे साल्ट है सल्यूट यहां पे शुगर है सल्यूट जब साल्ट है शुगर है तो वो तो वेपर बनाते ही नहीं है तो उनका वेपर प्रेशर पीबी क्या होगा जीरो तो इस वाली सोल्यूशन में जिसमें हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एड कर दिया इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट टोटल वेपर प्रेशर विल बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑनली क्योंकि लिक्विड हमारा वोलाटाइल है लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा पीए एंड वही पीए कंसिडर किया जाएगा द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट यानी कहने का मतलब है अगर आप पानी में नमक डालोगे तो फिर आप हीट करोगे तो वेपर कौन बनाएगा पानी ही बनाएगा साल्ट का वेपर क्या बनाएगा साल्ट का वेपर क्या होगा जीरो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो होगा तो ओवरऑल फॉर सच सॉल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन द वोलाटाइल सॉल्वेंट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेपर्स ऑफ लिक्विड ओनली बिकॉज ओनली दैट लिक्विड इज वोलाटाइल लेकिन यहां पर एक चीज समझनी है क्या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एड करने से इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली पड़ेगा यहां पे क्या होता है व्हेन वी डिसॉल्व दिस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन दिस वोलाटाइल सॉल्वेंट दिस वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स दे जनरली ऑक्यूपाई द सरफेस ऑफ द लिक्विड वो इस सरफेस ऑफ लिक्विड को ऑक्यूपाई कर देते हैं जब इस सरफेस को वो ऑक्यूपाई कर देंगे तो यहां पे क्या होगा जो लिक्विड का वेपर बन रहा होता है यहां पे वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा इनके एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से द सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और जो यहां पे वेपर जो होगा लिक्विड का वो ऊज आउट ही नहीं कर पाएगा यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू इट इसका मतलब है जो पीए होगा दैट विल आल्सो बी लेस यानी कि नमक की एक प्रॉब्लम है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की एक प्रॉब्लम है एक न तो वो खुद सॉल्यूट बनाता है और न तो वो वाटर को नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की प्रॉब्लम है एक तो वो न खुद ही वेपर बनाता है और न वो वाटर को वेपर बनाने देता है तो होगा क्या जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगी उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा दैट मीन्स देयर इज वन लॉ दैट इज एक चीज पॉइंट एक बता देता हूं आपको हंसी आ जाएगी उसको सुन के एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैं लॉ बता देता हूं दैट इज बाबूज लॉ ये बाबू एक केमिस्ट है बाबू क्या कहते हैं जब हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में एड कर देते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है एक तो ये खुद वेपर बनाएगा ही नहीं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दूसरा वो सरफेस को ऑक्यूपाई करके वोलाटाइल लिक्विड को भी के वेपर को भी बाहर निकलने ही नहीं देता तो क्या होगा लिक्विड जो है लिक्विड का वेपर जो है वो बहुत कम बनेगा और एज अ रिजल्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट द ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दैट विल ऑब्वियसली डिक्रीज समझिए एक चीज यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं अगर हमें सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मालूम करना हो टोटल वेपर प्रेशर पीटी तो वो बराबर होगा किसके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वहां पे सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर शो कर रहा है प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट
अगर सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, सोल्यूट भी वोलेटाइल है, दोनों का वेपर प्रेशर होगा, उन दोनों के वेपर प्रेशर को सम करके आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आएगा, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होने का मतलब जो है पी भी हमारा जो है वो जीरो के बराबर होगा, तो एट दैट टाइम जो पी टोटल होगा दैट विल बी इक्वल टू पी ए। दैट मीन्स फॉर द सोल्यूशन, फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the vapor pressure of the solute will be zero. That means the vapor pressure or total vapor pressure of the solution will only be due to the vapor pressure of the solvent only. लेकिन अब solvent का vapor pressure ज्यादा होगा कि कम होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे डिपेंड करता है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना तो खुद वेपर बनाता है और इस वेपर सॉल्वेंट की भी वो वेपर डेंसिटी कम करवाता है by decreasing the escaping tendency of the vapors of the liquid. तो साल्ट ऐड करने की वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और इसी ये कंसेप्ट जो है, इसी कंसेप्ट का हम नाम दे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड बाबूज लॉ। बाबू इज सेइंग व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिक्रीजेस बिकॉज the non-volatile solute that decreases the escaping tendency of the liquid thereby decreasing the vapor pressure of the solvent or thereby decreasing the total vapor pressure of the solution. This was our lecture number first regarding vapor pressure of solutions. सोल्यूशंस का वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमने आज पढ़ा, एक बेसिक सा एक लेक्चर था आज का। इंशाल्लाह इन अवर टुमारोज लेक्चर विल बी गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग वेपर प्रेशर, दैट इज रूल्स लॉ। एंड रूल्स लॉ हम पढ़ेंगे अच्छे से इंशाल्लाह कल। ये आपका ये हमारा पहला ही लेक्चर था, आप देख सकते हैं बात ही नहीं कर पाता हूं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। इंशाल्लाह विद इन डे और टू आई विल बी अपलोडिंग वेरी गुड लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस सोल्यूशन यूनिट एंड होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डू टेक्स्ट मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड टिल देन खुदा हाफिज एंड बाय बाय।